सम्मानित मंच, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय आज की इस पुस्तक के विमोचन के लिए दिया है। हमारे एक और अभिन्न मित्र, हम सभी के परिचित श्रीमान आशुतोष जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के निदेशक हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बड़े ऐसे प्रतिष्ठित और मूर्धन्य विद्वान भी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मुझे, चूँकि मैंने पुस्तक संपादित की है, तो इसलिए मुझे इस पुस्तक की प्रस्तावना करने का निर्देश हुआ है। सब लोग जानते हैं पुस्तक अनकही कथा स्वतंत्रता संग्राम में पश्चिम उत्तर प्रदेश का योगदान, इस विषय पर आधारित है। हम सभी लोग जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास स्वर्णिम और प्रेरणास्पद है। असंख्य देशभक्तों और हुतात्माओं ने भारतवर्ष को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने असहनीय यातनाएं सहकर भी अपने परिवारों को भी राष्ट्रदेव की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध ये संघर्ष और जन आंदोलन भारत के प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिले और प्रदेश में निरंतर होता रहा। भारतवर्ष का प्रत्येक वर्ग अपनी मातृभूमि को दासता की बेड़ियों से छुड़ाने के लिए सतत प्रतिबद्ध था। आज जब हम स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव एक पर्व के रूप में मना रहे हैं, ऐसे समय में आवश्यक हो जाता है कि हम भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए लंबे संघर्ष के विभिन्न पक्षों से परिचित हों, उन घटनाओं, प्रसंगों और वीरों का स्मरण करें जिन्होंने विदेशी शासन की चूले हिला दी थी। राष्ट्र के धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को सर्वोच्च बलिदान किया। ऐसे अनगिनत महान आत्माएं रही होंगी जिन्हें हम आज जानते भी नहीं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि भारत माता के ऐसे महान सपूतों को, उनके योगदान को स्मरण करते हुए हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसी क्रम में ये पुस्तक पश्चिम उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, आज़ादी की लड़ाई की अनकही कथा को आपके सामने लाने का एक प्रयास है। विगत एक वर्ष से निरंतर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेशवार घटित प्रमुख घटनाओं, अनजाने तथ्यों, प्रेरणास्पद प्रसंगों तथा जाने अनजाने क्रांतिकारियों के विषय में जानकारी देने वाला आलेख और पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। इस पुस्तक में हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुख्य जिलों सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रामपुर और मुरादाबाद के क्षेत्रों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करने का प्रयास किया है। इन जिलों में स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया तथा जिन गांवों में अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन किया, उन सब का उल्लेख करने का प्रयत्न किया गया है। मैं आशा करता हूं कि ये पुस्तक निश्चित रूप से आप सभी को पसंद आएगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनमानस द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया गया था उसे परिचित कराने में सहायक सिद्ध होगी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन केवल भारत के लिए नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए ऐतिहासिक अध्ययन का विषय रहा है। ये एक ऐसा स्वाधीनता संग्राम था जिसमें समाज के सभी वर्गों ने अविस्मरणीय योगदान दिया। स्वाधीनता के अमृत काल में भारतवर्ष के इससे अधिक बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य और कोई नहीं हो सकता कि हम अपने उन क्रांतिकारी बंधुओं, उनके जीवन के पाथे बिंदुओं पर गंभीर विमर्श करें। उन सभी को श्रद्धांजलि देना ही इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। मैं आशा करता हूँ कि अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में ये पुस्तक निश्चित रूप से इतिहासकारों, युवा पीढ़ी एवं विद्यार्थियों और अध्ययन प्रेमियों तथा राष्ट्रबोध के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आपसे निवेदन है, आप पुस्तक को गंभीरतापूर्वक अध्ययन कीजिएगा और उसमें अगर कोई कुछ छूट गया हो, किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य सूचित कीजिएगा। एक लेखक के रूप में मैं भी ये जानता हूँ कि एक गंभीर विषय पर पुस्तक लिखना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और उसमें सदैव सुधार की संभावना बनी रहती है। उसे पूर्णता तक पहुँचाने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। उसके लिए सुदीजन पाठकों का सहयोग मेरे लिए प्रेरक रहेगा। आप सभी ने पुस्तक विमोचन के अवसर पर उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मंच पर
हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, जो कि बहुत व्यस्ततम समय में से निकाल करके इस पुस्तक के विमोचन के लिए आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। एक प्रसंग जरूर इस पुस्तक के साथ जुड़ा हुआ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ये विषय चूँकि चल ही रहा था तो अपने विद्या भारती के प्रांत के कई सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के तय किया। हमारे आदरणीय तपन जी हम सबके मार्गदर्शक हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस पुस्तक को तैयार कराने में उनकी रही है, अथक प्रयास भी उन्होंने किया है, छोटी छोटी बातों को लेकर के भी चर्चा वार्ता हुई है, तो मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि पुस्तक इस क्षेत्र में आएगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के योगदान पर अभी तक कोई ऐसी पुस्तक लिखी नहीं गई है, तो ये निश्चित रूप से आप सभी के लिए बहुत उपयोगी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विचारों के युद्ध में किताबें ही अस्त्र होती हैं, और सबसे लाभदायक पुस्तकें वह होती हैं जो आपको सबसे अधिक सोचने पर मजबूर कर दें। निश्चित रूप से यह पुस्तक अनकही कथा हमें सोचने पर मजबूर करेगी और ज्ञान चक्षु खोलेगी। मैं डॉक्टर प्रदीप जी एवं आदरणीय श्री सतीश शर्मा जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और अपने सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करती हूं कि वह पुस्तक का विमोचन करें, और मंच पे मैं प्रदीप जी और श्री सतीश शर्मा जी को आमंत्रित करती हूं।